हेलो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जो आपको आइडेंटिफाई करना है पर्सपेक्टिव का। तो यहाँ पर पांच आंसर दिए हैं, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव और ये भी एंड व्यू थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव और फ्रंट मतलब फिश पर्सपेक्टिव, फिश आई। तो दोस्तों ये यहाँ पर वन टू थ्री फोर और फाइव यहाँ पर आंसर दिए है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर समझ में आए तो इसके ऊपर के जो क्वेश्चंस है वो आपको अच्छे से आंसर देते आएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो फिगर्स है वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन से पर्सपेक्टिव में है। तो दोस्तों ये इसका आपको स्टडी करना है और अच्छे से इसके आंसर्स देने हैं, मतलब यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो मैं आपको समझाऊँगा बट जब क्वेश्चंस मैं लूँगा तब आपको इसके आंसर्स देने हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट दिख रहा है तो ये है वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब कि यहाँ पर जो लाइंस आगे है ये एक पॉइंट में आपको मिलते हुए दिखेंगे। जो भी ऑब्जेक्ट है यहाँ पर देखो, ये फर्नीचर रखा है, यहाँ पर ये टेबल रखा है, यहाँ पर ये सोफ़ा रखा है, तो इसके जो भी पॉइंट्स है तो ये एक पॉइंट में आपको मिलते हुए दिखेंगे। तो ये हो गया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ओके। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, अभी ये जहाँ पर रेलगाड़ी चलती है वो रेलगाड़ी का रूल ये देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया, ये पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे आप तो ये रेल का जो पटरी है तो ये एक पॉइंट में यहाँ मिल रही, और ये पेड़ अगर देखेंगे तो ये पेड़ भी इसी तरह जा रहे हैं। तो ये हो गया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो वन पॉइंट पर्सपेक्टिव आपको तो समझ में आ गया। तो यहाँ पर बाजू की जो पटरी के बाजू में जो लकड़ी है वो भी वन पॉइंट में जा रहे हैं, तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ये पटरी का साइड का पार्ट है ये भी वन पॉइंट में जा रहा है, तो सभी चीज़ें वहाँ यहाँ वन पॉइंट में जा रही है। तो नेक्स्ट देखेंगे, ये अगर आप देखोगे तो ये आपको देखते से समझ में आया होगा कि यहाँ पर ये टू पॉइंट पर्सपेक्टिव है। ये देखो ये जो लाइंस है ये सारी एक पॉइंट में यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो जस्ट यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आगे अगर जाएंगी तो ये एक पॉइंट में यहाँ मिलेंगी, ये अगर लाइन देखेंगे तो ये एक पॉइंट में आपको मिलते हुए दिखेंगी। जैसे विंडो के ये पार्ट है, ये विंडो के नीचे का पार्ट है, ये इसके नीचे का पार्ट है या विंडो है, ये सारे के सारे एक पॉइंट में यहाँ मर्ज हो रही। तो ये हो गया टू पॉइंट पर्सपेक्टिव, मतलब ये एक पॉइंट हो गया इधर, ये साइड में लेफ्ट साइड में एक पॉइंट हो गया, राइट साइड में एक पॉइंट हो गया, और ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सब 90 डिग्री में है। आप अगर देखोगे तो ये सारे 90 डिग्री में यहाँ पर आपको नज़र आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी वही है टू पॉइंट पर्सपेक्टिव जो मैंने समझाया था आप अभी। तो ये यहाँ से लाइन ये पॉइंट में जा रही है, ये पॉइंट जा रही है, ये लाइन जा रही है,
और इस साइड में अगर देखोगे तो ये इस साइड में जा रही है। तो ये हो गया टू पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो दोस्तों टू पॉइंट पर्सपेक्टिव और वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में क्या फ़र्क, ये आपको समझ में आ गया। देखो यहाँ पर जो डोर के ये जो दिख रहे ये भी वही पॉइंट में जाएंगे, ये विंडो के भी इसी टाइप में जाएंगे और ऊपर वाले जो विंडो है इसके भी वही पॉइंट में जाएंगे। वैसे ही ये साइड के जो है ये भी वही पॉइंट में जाएंगे जो लेफ़्ट साइड में है, और राइट साइड में जो है वो ये पॉइंट में जाएंगे। यहाँ पर ये 90 डिग्री में सारे लाइंस आ जाएंगे, ठीक है। तो आप देखेंगे ये यहाँ पर जस्ट मैंने निकाल के दिखाया। नेक्स्ट देखते हैं, अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है ये कौन से पॉइंट में है, ये आपको आप देखते से समझ में आएगा कि यहाँ पर वी पी वन लिखा है, यहाँ पर वी पी टू लिखा है, यहाँ पर वी पी थ्री लिखा है और यहाँ पर वी पी फोर। तो ये चार पॉइंट हो गए, तो सॉरी चार पॉइंट में यहाँ पर एक फिगर निकाल के दिखाइए इस टाइप में। तो ये चार पॉइंट में आपको ये फिगर नज़र आएगी, सॉरी तो ये चार पॉइंट में आपको ये फिगर नज़र आएगी। तो दोस्तों ये हो गया फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव। अब फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव कौन से इसमें देखा जाता है, तो ये फिश व्यू में देखा जाता है। मतलब एक आधी फिश अगर देख रही है तो उसको कैसा दिखेगा, तो वो फोर पॉइंट पर्सपेक्टिव में दिखेगा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फिर से जो है ये आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है जहाँ पर ये रेल की पटरी एक जगह पे मिल रही, ये तो ये एक पॉइंट हो गया। वैसे ही उसके बाजू की जो है ये भी सारे एक जगह पे मिल रहे, ये पेड़ भी देखेंगे आप तो एक जगह पे मिल रहे, ये साइड का बैकग्राउंड जो है वो भी, ये पटरी का बाजू का जो पार्ट है वो भी वहाँ पे ही मिल रहा है आप अगर देखेंगे। तो ये हो गया वन पॉइंट पर्सपेक्टिव, ठीक है। अभी यहाँ पर तो आपको ये फिगर आएगा कि कौन सा पर्सपेक्टिव है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये 90 डिग्री में, सॉरी ये लाइन 90 डिग्री में यहाँ पर है और ये पॉइंट इधर जा रहा है, ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है और ये पॉइंट सीधा सॉरी नीचे आ रहा है। जो पॉइंट यहाँ पर है वही फिर से इस पॉइंट को मिल रहा है, वही सेम इस तरह मिल रहा है। तो ये हो गया थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। तो ये बात आपके समझ में आ गई, आप अगर देखोगे तो ये समझ में आ जाएगा कि ये थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़ता हूँ, ये कौन से पर्सपेक्टिव में है ये आपको बताना है, ओके। ये जो बिल्डिंग मैंने रेड कलर की बिल्डिंग, ग्रे कलर, ब्राउन कलर की बिल्डिंग जो है रेडिश ब्राउन कलर की, तो ये बिल्डिंग कौन से पर्सपेक्टिव में है, तो रेड बिल्डिंग आपको डालना है, रेडिश ब्राउन कलर की बिल्डिंग आपको डालना है, उसका आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव है। देखो ये पॉइंट तो दिख नहीं रहे यहाँ पर आप अगर देखोगे तो ये सीधा यहाँ पर जा रहा है और ये भी इधर मिल रहा है। वैसे ही यहाँ के अगर कॉर्नर आप देखोगे ऐसे, तो इसका अगर पॉइंट ले लोगे तो ये सीधा इस तरह मिल रहा है और ये भी अगर पॉइंट ले लोगे तो ये भी यहाँ पर मिल रहा है। तो ये वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में ये जो कर्व दिखाए है, एंगल दिखाए, ये सब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव में आपको
नज़र आएगी। तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव है? तो देखो यहाँ पर ऊपर के साइड में एक पर्सपेक्टिव है, इस साइड में एक है, ये साइड में एक दिख रहा है और ये लाइन इस तरह जाते हुए दिख रही है। ये यहाँ पर दिख रही है, ये इधर दिख रही है, ये यहाँ पर दिख रही है और ये एक ऊपर के साइड गया हुआ लाइन ये इस साइड में आ गई। तो ये थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन ये कौन सा व्यू है? तो ये एंट व्यू है। आप अगर बिल्कुल छोटे से हो, यहाँ पर एकदम छोटे से यहाँ नज़र आ रहे और आप अगर देख रहे हो तो ये कैसा दिखेगा? तो ये एंट व्यू में आपको दिखता है। नेक्स्ट जो है इसका पॉइंट देखेंगे आप, तो यहाँ पर आपको पॉइंट नज़र आएगा कि हर चीज़ आपको इस एंगल में जाते हुए दिखेगी। हर बिल्डिंग का कॉर्नर जो है, जो लेंथ है, ये सब के सब सॉरी इस तरह जाते हुए दिखेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पर मिलते हुए दिखेगा। तो ये कौन सा व्यू हो गया? ये आप ऊपर से देख रहे हो, मतलब ये एंगल पे देख रहे हो तो आपको ये नज़र आएगा। देखो यहाँ पर इसके नीचे हो आप, तो इसलिए ये ऊपर का पार्ट नहीं दिख रहा है और इसके ऊपर हो, मतलब इसके सेंटर में अगर आप हो तो ये पार्ट आपको ऐसे इस टाइप में दिखेगा और बाकी बिल्डिंग जो है इसके नीचे है, ये पार्ट के नीचे है, इसलिए आपको बिल्डिंग जो है ये जो है ये बर्ड व्यू है। आप अगर देखोगे तो ये बर्ड व्यू है। अगर बर्ड के नज़रिए से आप अगर देखते हो तो इस टाइप आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सपेक्टिव हो गया? थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव। ये भी थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो ऊपर जा रहा है इसी एंगल में ये सब सारे पॉइंट मिलेंगे, इसी एंगल में ये सारे पॉइंट मिलेंगे और आप नीचे से देख रहे हो तो ये एंड व्यू हो गया। ठीक है, ये भी एंड व्यू है क्योंकि यहाँ ऊपर जाते हुए ये पॉइंट आपको नज़र आएगा, ये पॉइंट नज़र आएगा ऊपर। जैसे आप ऊपर जाएंगे वैसे ये पॉइंट मिलते जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट व्यू, ये भी एंड व्यू है। यहाँ पर सीधा सीधा दिखाया, ये थ्री पॉइंट पर्सपेक्टिव है। यहाँ पर ये टू, ये थ्री और ये वन, तो यहाँ पर तीन पॉइंट दिखाई। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है। मैंने दो ही क्वेश्चन पूछे आपको, एक ब्राउन कलर की बिल्डिंग और एक ब्लैक एंड वाइट जो इंसान बैठा है, ये कौन से पर्सपेक्टिव में आता है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है वो ख़त्म होते हैं और मैंने जो पांच आपको ये बताए हैं, आंसर बताए हैं कि 1.2 थ्री पॉइंट में आपको बर्ड व्यू और एंड व्यू ये दोनों बताने हैं। तो मैंने तो बहुत सारे समझा दिए, लेकिन ये दो क्वेश्चन आपको देने के, ब्लैक एंड वाइट और ब्राउन कलर, इतना लिखना है आपको। ब्राउन कलर का जो है उसका आंसर लिखना है और ब्लैक एंड वाइट इसका आंसर लिखना है। ये कौन से पर्सपेक्टिव में आता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो दोस्तों पर्सपेक्टिव के बारे में इसके पहले भी मैंने डाला है और उसको पूरी तरह से अच्छे तरह से समझाया है। तो यहाँ पर ये पर्सपेक्टिव के जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपको इजीली सॉल्व करते आएंगे, ऐसी मैं आशा रखता हूँ। और ये पर्सपेक्टिव का विषय
जो सब्जेक्ट है यहाँ पर ही मैं ख़त्म करता हूँ, ज़्यादा आपको लंबा खींचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि पर्सपेक्टिव इतना कुछ हार्ड नहीं है और इजीली समझ सकते हो आप। जो मैंने समझाए उस हिसाब से आप काफ़ी आसानी से ये बात समझ सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच।